Assalamu alaikum, my YouTube family. Hope you're all doing great and having a very good time. And ये मेरा वापस आने का टाइम आ चुका है और मैं वापस जा रही हूँ कतर आफ्टर स्पेंडिंग अ वेरी गुड वेकेशन विद माय फैमिली. सिंस द टाइम आई हैव मूव्ड टू दोहा, इट वाज द लॉन्गेस्ट वेकेशन आई हैव एवर स्पेंड इन माय कंट्री. आई केम हियर दिसंबर 9 एंड आई एम गोइंग बैक ऑन फरवरी 18. वापस जाते हुए हमेशा बड़ा ही इमोशनल सीन होता है जब आप अपनी फैमिली से मिल रहे होते हैं. आपको चाहे कितने भी साल हो गए हों अब्रॉड रहते हुए, लेकिन वो जो आपको छुट्टी गुजारने के बाद जो जाते टाइम फीलिंग्स होती हैं, यू कैंट चेंज देम. और बस कुछ ऐसा ही होता है हर छुट्टी में, सिस्टर्स को देख के, मामा को देख के. लेकिन दुआ होती है कि हम सब अपने अपने घरों में खुश रहें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहें और अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए. एयरपोर्ट हम पहुँच चुके हैं और कोविड की वजह से आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन हमेशा कोशिश करें कि आपकी एक प्रॉपर फाइल बनी हो जिसमें आपके पास आपका होटल बुकिंग, टिकट, PCR, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म और इसके अलावा जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उसके अंदर हों, ताकि आपको स्पेशली पोलियो सर्टिफिकेट भी. मेरे भांजी को बहुत शर्म आती है, उसको बहुत ही ज्यादा शर्म आती है वीडियो बनवाते हुए. वजह क्या है बताओ ना. तो बस ऑलमोस्ट मैं अब अपने डिपार्चर की तरफ जा रही हूँ और मेरा मास्क वगैरह सारा कुछ है वो हो चुका है ख़राब, क्योंकि वो बड़ा इमोशनल टाइम होता है जब आप घर से निकलते हैं और मामा से, सिस्टर से मिलते हुए, भाभी से. तो बस अब जा रही हूँ डिपार्चर की तरफ और मेरे साथ मेरा भांजा जा रहा है. प्लेन जी तो मेरी बोर्डिंग हो चुकी है, अब टाइम स्पेंड करने के लिए एक कैपुचिनो ले लेते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं.